परमादरणीय स्वामी जी, देवियों और सज्जनों, मैं ज़्यादा बात न करते हुए कुछ इस आंदोलन का भूमिका में हम महत्वपूर्ण विषय ध्यान में जो लेना है उस विषय पे मैं आता हूँ। इस भारतीय समाज और भारतीय देश जो चलता है, धर्मसत्ता, समाज सत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता, ये चारों सत्ता का मिलन ही देश होता है और धर्म मूल है देश का। धर्म और संस्कृति मूल है। धर्म और संस्कृति से आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए सो हमारा वेस्टर्न समाज हो जाएगा। वेस्टर्न समाज में आत्मा नहीं है, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हम कर्म और ज्ञान में विश्वास करने वाला भारतीय समाज। For latest exclusive updates, please subscribe RMS News Entertainment Exclusive. Also like, share and comment. Thank you. और जल हो, जंगल हो, जमीन हो, जानवर हो, ये सारे हमारा भारतीय जीवन दृष्टिकोण में हमारा अविभाज्य अंग है। इसलिए हम लाखों किलोमीटर दूर में रहने वाला चंदा को मामा कहते हैं, हमारा साथ रहने वाला कुत्ता में दत्तात्रेय जी को हम देखते हैं। ये केवल भारतीय जीवन दृष्टिकोण में ये संभव हुआ है। आज धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चिमात्य देशों ने इस विषय को स्वीकार कर रहा है। ये भारतीय जीवन दृष्टिकोण और भारतीय जीवन शैली ही इस दुनिया का समस्या का हल हो सकता है। लेकिन हम उल्टा प्रयास में हमारा चल रहे हैं और विशेषतः ग्लोबलाइजेशन के कारण बाजारवाद जो इस देश में 1992 में हम जो नरसिंह राव का संदर्भ में स्वीकार करने का लक्ष्य में गलत नहीं था, लेकिन ऑलरेडी वी क्रॉस्ड द 27 ईयर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आज स्थिति क्या है मैं इसमें वर्णन में नहीं जाता, हम तो भुगत रहे हैं। इसलिए सत्ता का विषय में कुछ बिंदु, समाज आगे सत्ता पीछे तब होगा स्वस्थ विकास, सत्ता आगे समाज पीछे तब होगा सत्यानाश, ये है। इसलिए जो अभी हम लड़ने जा रहे हैं सामने, ये राक्षस है। सत्ता के पास मारक शक्ति ज़्यादा रहता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और तारक शक्ति कम रहता है, ये भी हम ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आप जो टकराव करेगा, ज़्यादा टकराव करेगा, जो हिंसा में जाएगा उसको आनंद आता है, क्योंकि हिंसा को दमन करना बहुत अच्छा है, लेकिन अहिंसा का रास्ते से जो आप लोग जाएगा ना, वही मुश्किल होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी का डिफरेंस यही था। नेताजी का विषय में ये रहते हुए भी नेताजी एक तरह हिंसा से, विप्लव से स्वतंत्र देना लेना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी अहिंसा का रास्ते से चल, लेकिन दोनों का भी सहयोग है। दूसरी बात, जो रानी झांसी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल 22 ईयर्स, व्हेन शी डाइड शी वाज 22 ईयर्स, ज्ञान प्राप्त किया शंकराचार्य जी ने व्हेन वो मंडन मिश्रा के साथ जो उनका संवाद हुआ था 18 ईयर्स, वो 28 ईयर्स में चले गए, और स्वामी विवेकानंद जी 33 ईयर्स, ये भी एक हमारा सामने है। लेकिन आज का युवा पीढ़ी जो है, मैं विशेष से पवन जी के पास ही आ रहा हूँ, जो हम एक दो विषय मैं विशेषतः मैं आपके सामने रखता हूँ, गोल होना जरूरी है, गोल हम ही किए ये जरूरी नहीं है, गोल करने का नज़दीक जो है उसका हम बाल पास करें। जो बड़ा मन से बड़ा काम होता है, छोटा मन से बड़ा काम नहीं होता है। केवल गंगा के लिए हम ही कर रहे हैं, ये गलत होगा। गंगा के लिए कई लोग करने वाला है, छोटा छोटा प्रयोग हो सकता है। मैं बनारस में ऐसा 140 उदाहरण दे सकता हूँ, एक इंडिविजुअल प्रयास जो चल रहा है। इसलिए इस लोगों का जोड़ना
और गंगा तट पर जो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार झारखंड तक ये नदी तट पर पंचायत सो है, ग्राम पंचायत, इस सरपंचों के साथ हमारा संबंध हो सके तो सरपंच सम्मेलन उस राज्य में किया जाए इस आंदोलन शुरू करने से पहले, और इसमें धर्म सत्ता का जोड़ने का काम जरूर होना है। धर्म सत्ता के बारे में कुछ भी टिप्पणी करें लेकिन धर्म सत्ता का प्रभाव भी आज भी है, उसमें कौन जोड़ सकते हैं, विशेषतः हमें शंकराचार्य जी लोगों को साथ हम जाके बात करें। कल मध्वाचार्य जी पीठ का एक पेजावर स्वामी जी के पास भी मैं और राजेंद्र जी गए थे, बहुत अच्छी बात बोला, बहुत अच्छी बात कहा। इसीलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, पवन जी युद्ध के साथ जोड़े, और पवन जी को कोई लगेजस नहीं है, हमारे पास कुछ लगेजस हो सकता है, कुछ कलर हो सकता है, कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, पवन जी इज अ फ्रेश, इसलिए यूथ फॉर रिवर्स और कुछ भी आप लोगों को जो समझ में आता है, इसका एक फ्रेश फेस के जैसे अभी जो ये समझने वाला केवल यूथ से, हम बुढ़ा लोग 60 के ऊपर का लोग हम नहीं समझेंगे, कुछ ना कुछ वो होगा, ये होगा, फिलोसफिकल, वो फ्रेश माइंड्स है, इग्नाइट माइंड्स, इस लोगों को इंस्पायर करके हम इस आंदोलन को कड़ा करना। और उज्जैनी बैठक से पहले, उज्जैनी बैठक से पहले हम सारे माइक्रो लेवल पर प्लानिंग का कुछ सब कमिटीज रचना हो जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी है, एजेंडा कमेटी होगा, एक्शन प्लान का कमेटी होगा, धर्म संसद जोड़ने का होगा, एडवोकेट्स जोड़ने का होगा, डॉक्टर्स को जोड़ने का होगा, इसलिए इसमें बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक तीनों आयाम मिला के इसका एक जन आंदोलन, क्योंकि हमारा भारतीय समाज केवल सेंटिमेंटल एंड इमोशनल इश्यू पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। इसलिए अभी राम मंदिर भी आने वाला है, कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है, इसलिए ये सारे अभी राम जन्मभूमि का इश्यू का समय में ये गंगा विषय मत उठाइए, नहीं तो ध्वस्त हो जाएंगे आप लोग, इसलिए ये भी हम साथ में रख कर थोड़ा समय का सीमा तय करने से पहले ये सारे जो अंदर व्यवस्था चल रहा है इसका ध्यान में रखकर एक बड़ा स्वरूप का एक प्लानिंग करके ही हम इस पानी में उतरे। धर्म सत्ता भी रहेगा, समाज सत्ता भी रहेगा, लेकिन युवा शक्ति को हम आगे बढ़ाना, हम बड़े लोग थोड़ा पीछे हटके इस लोगों को पुश करना, और केवल हम नहीं है, कई लोग है इसमें, ऐसा लोगों को भी चिन्हित करके इसमें जोड़ना, ये बड़ा काम का हो जाए हमारा दिसंबर जनवरी तक, बहुत बड़ा काम और बड़ा आंदोलन गंगा को, एक गंगा के बारे में तो कई सालों से है, वह नया नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग जनमानस होता है, इसमें भी ध्यान रखकर हम इसका आयोजन किया जाए, हम इसमें सफलता की तरफ जरूर हम जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। प्रणाम। फॉर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आरएमएस न्यूज एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।